हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? कैसे आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप थंबनेल देख के समझ गए किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस, क्या आपके पास भी रियलमी का P1 5G डिवाइस है? जी कैसे, अगर आपके पास भी रियलमी का P1 5G डिवाइस, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम होती है, ऑटोमेटिकली बैटरी ड्रेन होने लगा, कैसे ठीक करें। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स एंड सेटिंग्स कर रहा हूँ जिससे आपके डिवाइस का बैटरी बैकअप है काफी ज्यादा इंक्रीज एंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको अगर ना वीडियो पसंद आए, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए गाइस, यहाँ पर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको एक से एक हैवी सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे आपका डिवाइस का जो बैटरी बैकअप है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो ऑटोमेटिकली बैटरी ड्रेन होती है वो भी नहीं होगी। सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। सॉरी गाइस, यहाँ पर सेटिंग में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। आपको जैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहती हैं कि ऑफ रहती हैं। गाइस, यहाँ पर ये कभी कभी आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं और आपके बैकग्राउंड में रन करती हैं, जिससे आपके डिवाइस की बैटरी ऑटोमेटिकली ड्रेन होने लगती है। एंड जैसे आप किसी की परमिशन देते हैं तो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ऐसे ही आपका वाईफाई, ब्लूटूथ ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। हमेशा आपको इन तीनों चीज़ को ऑफ करके रखना है। एंड गाइस, यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को लोग 24 घंटे ऑन करके रखते हैं, तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा आपको अपने डाटा को ऑफ करके रखना है। जब भी आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हो तभी डाटा को ऑन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल को यूज़ नहीं कर रहे हैं या मोबाइल पॉकेट में रखा है बट उनका डाटा ऑन है। मोबाइल का डाटा ऑन होने से आपको पता है आपका मोबाइल एक तरह से ऑनलाइन मोड में आ जाता है। एंड जैसे ऑनलाइन मोड में आएगा, आपके डिवाइस पर जितने भी एप्लीकेशन होते हैं सारे के नोटिफिकेशन आने लगते हैं। हर टाइम नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं, जिससे आपकी बैटरी की हेल्थ है वो भी डाउन होती है। दूसरी बात, आपकी बैटरी ऑटोमेटिकली ड्रेन होने लगती है। तो हमेशा आपको डाटा को जब आप यूज कर रहे हो मोबाइल को तभी ऑन करना है। सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आओगे, बाई चांस किसी किसी भाई का सवाल होता है कि भाई हमारे डिवाइस में अपडेट आने के बाद ऑटोमेटिकली बैटरी ड्रेन हो रही है। तो गाइस, यहाँ पर बताना चाहूँगा, रियलमी के UI के जो अपडेट होते हैं उनमें कभी कभी बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है अपडेट आने के बाद आपकी मोबाइल की बैटरी ऑटोमेटिकली ड्रेन हो रही है, आप नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। सिंपली आपको ना नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा जिसका नाम है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है लाइट मोड, एक है डार्क मोड। अगर आपको अपने मोबाइल की बैटरी को ज़्यादा देर तक चलाना है, यानी कि मान लीजिए आपने मोबाइल को नया परचेस किया था उससे भी ज़्यादा देर तक चलाना है, तो आप यहाँ पर मोबाइल को डार्क मोड में यूज़ कर सकते हैं। वैसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपके मोबाइल की सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ बैटरी को कंज्यूम करती है तो वो होती है आपकी मोबाइल की डिस्प्ले। अगर आप डिस्प्ले को ही डार्क मोड में चलाओगे तो आपका बैटरी का बैकअप है 20 से 30% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पूरी डिस्प्ले ब्लैक हो जाती है, जिसके कारण आपकी डिस्प्ले बैटरी को बहुत ही ज़्यादा कम कंज्यूम करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने मोबाइल को डार्क मोड में यूज करने की। अभी फिलहाल के लिए मैं मोबाइल को लाइट मोड में कर लेता हूँ। एंड सिंपली आपको आना है बैक। जैसे बैक आओगे, यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है बैटरी। सिंपली आपको बैटरी पर क्लिक करना है। एंड जैसे आप बैटरी पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है पावर सेविंग मोड। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें एंड आपका डिवाइस 100% चार्ज हो जाए, पावर सेविंग मोड लगा सकते हो। ये क्या करता है, जो भी आपके ब्राउजर वगैरह होते हैं ना, गूगल ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर वगैरह, जो भी चीज़ आप सर्च वगैरह करते हो, उनकी रनिंग प्रोसेस चलती रहती है बैकग्राउंड में, इन्हें जैसे आप कर दोगे वो ऑफ हो जाती है बैकग्राउंड की रनिंग प्रोसेस। इससे आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा सेफ होती है। एंड अगर आपको इमरजेंसी इस्तेमाल में अपनी बैटरी को 2 से 3 दिन चलाना है, आपके पास हो सकता है लाइट ना हो, चार्ज ना हो, या आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, आपको लगता है कि बैटरी को ज़्यादा तक चलाना है, तो आप यहाँ पर सुपर पावर सेविंग मोड को भी ऑन कर सकते हो। सुपर पावर सेविंग मोड एक ऐसा फीचर है जो कि आपकी बैटरी को 2 से 3 दिन चला देता है। बट इसमें क्या क्या नुकसान है, सबसे पहली बात आपका मोबाइल डार्क मोड में चला जाता है, दूसरी बात आप एक साथ सभी एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप इमरजेंसी इस्तेमाल में इसे यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली नीचे आना है, फ़ोन बैटरी यूज पर क्लिक करना है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आज की डेट में या 2 दिन पहले की डेट में, यस्टरडे में, कौन सा एप्लीकेशन आपकी सबसे ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम कर रहा है, क्या परसेंट कर रहा है, उस एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप उसे फोर से स्टॉप कर सकते हो या क्लियर कीचे कर सकते हो। एंड क्लियर कीजिए आपको कैसे करना है, जैसे मान लो कोई बड़ा एप्लीकेशन है, आप फ्री फायर पबजी वगैरह खेलते हैं, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे आ जाना है। एंड मान लीजिए मैं इस एप्लीकेशन में जाऊंगा, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है, यहाँ पर आपको नीचे आना है, स्टोरी पर क्लिक करना है। जैसे स्टोरी पर जाओगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्लियर डाटा, क्लियर कीजिए। सिंपली आपको क्लियर कीजिए कर देना है, जो भी एप्लीकेशन की जंक फाइल या बग वायरस होंगे वो क्लीन हो जाएंगी, वो एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाएगा बिना कोई डाटा कटे हुए, और आपकी जो बैटरी को कंज्यूम कर रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं करेगा। तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो। सिंपली बैक आना, द्वारा से आपको सेटिंग में जाना है एंड बैटरी भी द्वारा से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर बैटरी सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चेक करना है आपका मोबाइल कौन से परफॉर्मेंस मोड पर हाई तो नहीं है, अगर हाई परफॉर्मेंस मोड पर है तो आपको नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर कर देना है। यहाँ पर लिखा भी है टर्न ऑफ इंप्रूव परफॉर्मेंस टू एक्सटेंड बैटरी लाइफ, आपका ऑटोमेटिक बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगा इसे यूज करते ही। सिंपली आपको आना नीचे एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा
ऑप्टोमाइज बैटरी यूजेस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको अपनी बैटरी को ऑप्टोमाइज पे लगाना है, कोई एप्लीकेशन गेम वगैरह है ड्रोन टॉप ऑप्टोमाइज होगा तो उसे आपको ऑटो ऑप्टोमाइज पे लगा देना है। वो एप्लीकेशन जब भी आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करोगे ऑटोमेटिक आपका मोबाइल आपकी बैटरी को ऑप्टोमाइज पे लगा देगा, जिससे आपका डिवाइस की बैटरी फालतू में ड्रेन नहीं होगी। एंड यह है स्क्रीन बैटरी ऑप्टोमाइजेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ बैटरी कंज्यूम करती है तो वो होती है आपकी मल्टी स्क्रीन। तो सुपर पावर सेविंग मोड में आपको स्क्रीन को यूज कर एंड जैसे लगाओगे इस पर ऑटोमेटिक आपकी ब्राइटनेस है स्क्रीन की डिस्प्ले है वो कम हो जाएगी और 5-10% आपका जो बैटरी बैकअप है इंक्रीज हो जाएगा सुपर पावर सेविंग मोड में। तो आप इसे यूज कर सकते हैं ताकि आपकी स्क्रीन सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है वो ना करे। सिंपली आपको आ जाना बैक, जैसे कि यहाँ पर बैक आओगे होम स्क्रीन पे, अब आपको सिंपली चेक करना है आपके डिवाइस में फालतू कलर तो नहीं, फालतू के फोटो वीडियो एप्लीकेशन आपको डिलीट करने। डिलीट करने के बाद आपको सिंपली गैलरी में जाना है एंड एल्बम में आना है। आपको एल्बम आने के बाद जो चीज़ आपने डिलीट की डिलीट आइटम में जाना है और यहाँ से भी आपको डिलीट करना है, स्टोरेज ऑटोमेटिक क्लीन एंड खाली हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी सारी चीज़ें, यहाँ से आप कर सकते हो। सिंपली आपको जाना बैक। अब कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डिवाइस पे फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब गेम वगैरह चलाते हैं और मोबाइल को लॉक करके रख देते हैं या नाइट में सो जाते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं नाइट में ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन होती है, जब भी आप मोबाइल को लॉक करने जा रहे हो नाइट हो दिन हो सुबह हो रिसेंट मोड पर क्लिक करो, जो चीज़ आपने यूज़ की यहाँ से आपको क्लोज ऑल करना है तभी मोबाइल को लॉक करना है ताकि ये चीज़ आपकी बैकग्राउंड में रन ना करें और आपकी बैटरी फालतू में ड्रेन नहीं होगी। तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, देन चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।